हेलो एवरीवन, आप सबने कितनी बार मिसाइल वर्ड सुना होगा। आज पूरे मिसाइल सिस्टम को आपको एकदम आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन, मिसाइल क्या होता है? मिसाइल एक इंटेलिजेंट अनमैन्ड रॉकेट होता है जिसे डिजाइन किया जाता है ताकि वो पेलोड को कैरी करके उस जगह पे पहुंचाए जहां टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है। मिसाइल को डिजाइन किया जाता है मेनली 6 फैक्टर को ध्यान में रख के। किस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, मिसाइल का ट्रेजेक्टरी या पाथ क्या होगा, मिसाइल में वॉरहेड कौन सा होगा, मतलब न्यूक्लियर हो या फिर कन्वेंशनल, मिसाइल का रेंज क्या होगा, मिसाइल वेलोसिटी क्या होगा और मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाना है, चाहे वो लैंड हो, एयर हो या फिर सी भी हो सकता है। मिसाइल में जो मेजर टेक्नोलॉजी जो होता है वो एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रोपल्शन सिस्टम। एक तरह से समझो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मिसाइल को पूरा एनर्जी प्रोपल्शन सिस्टम से ही मिलता है। मिसाइल के रेंज, स्पीड और वॉरहेड कैरिंग करने कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। मिसाइल को प्रोपल्ड किया जाता है रॉकेट या फिर जेट इंजन के द्वारा, सॉलिड या लिक्विड फ्यूल के मदद से। कुछ मिसाइल में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल दोनों का यूज होता है। दूसरा है मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम। मिसाइल लॉन्च से लेके टारगेट हिट करने तक कई तरह के गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं जिसका काम ये होता है कि मिसाइल अपने पाथ से ना भटके, उसे कंटिन्यूस गाइड करते रहना। मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है पिच, रोल और यॉ को कंट्रोल करके। आप इस फिगर में देख रहे हैं 3 एक्सिस आपको दिख रहा है। अगर मिसाइल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो वो रोल का होगा। उसी तरह लेटरल एक्सिस के अबाउट रोटेशन को पिच कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन को यॉ कहते हैं। मिसाइल को गाइडेंस सिग्नल कई तरह से मिल सकता है, मिसाइल के खुद का कंप्यूटर या फिर एक्सटर्नल सोर्स से भी, जैसे ग्राउंड या सी बेस्ड रडार या फिर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से भी गाइडेंस मिल सकता है। तीसरा है मिसाइल का एरोडायनेमिक डिजाइन, जिसमें आता है एयर फ्रेम, विंग्स, फिन्स, टेल्स एक्सेट्रा। मिसाइल को तेजी से उड़ने या फिर डायरेक्शन चेंज करने में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है टर्मिनल गाइडेंस इन केस ऑफ प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। टर्मिनल गाइडेंस मतलब जब मिसाइल टर्मिनल फेज में होगा, मतलब टारगेट के करीब। यहाँ पे टारगेट सीकर का यूज होता है। टारगेट मिलने के बाद टारगेट सीकर एक इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है सिस्टम को ताकि वो वॉरहेड को एक्टिवेट कर दे। टारगेट सीकर रडार बेस्ड हो सकता है या इंफ्रारेड बेस्ड या फिर लेजर डिवाइस भी हो सकता है। पांचवा है मिसाइल का वॉरहेड। वॉरहेड सेलेक्ट किया जाता है ये ध्यान में रख के कि टारगेट किस टाइप का है, वॉरहेड टारगेट के कितना दूर में फटेगा इसका ध्यान भी रखा जाता है। जितना वॉरहेड टारगेट के पास फटता है इतना वॉरहेड छोटा होगा। बड़ा डिस्ट्रक्शन करना है तो वॉरहेड टारगेट से थोड़ा दूर फटना चाहिए और वॉरहेड बड़ा होना चाहिए। उम्मीद है आपको मिसाइल सिस्टम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।